क्या बकवास है ये? तुमने पहले भी ये करने की कोशिश की थी, आज तुमने हाथ पार कर दिए। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं। देखो, वो मारना चाहता है मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? वीर, वो देखो, वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये मारना चाहते हैं मुझे। कौन तुम्हें मारने के लिए आ रहा है? काल भैरव भगवान मारना चाहते हैं मुझे। देखो ना, वो खड़े हुए। मैंने राजमहल के बाहर उनकी बड़ी सी आकार की परछाई देखी। वो मेरी जान के पीछे पड़े, मारना चाहते हैं मुझे। वो देखो, देखो वीर, बोले मां, नीरज क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा हुआ क्यों? मां, वो देखो, वो क्या है? मां, वो भगवान काल भैरव। कुछ भी तो नहीं है वहाँ। अरे वीर, क्या हुआ नीरज को? उन्होंने इतना डरा हुआ क्यों है ये? वहाँ कोई भी नहीं है नीरज। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों को नहीं दिख अरे रहे। पर बेटा वहाँ कोई नहीं है। अरे वहाँ है, वो है वहाँ पर। नहीं, रुक, उसको भगाओ, भगाओ यहाँ से। तू रुक। नीरज बेटा देख इधर, मेरी तरफ देख, इधर देख। नहीं देख, वहाँ कोई नहीं है। देख तू, वहाँ कोई नहीं है। वो तो गायब हो गए। मैं तुझे लेकर चलती हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं मां, वो बाहर छुपे होंगे मुझे मारने के लिए। मैं नहीं आऊंगा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं आऊंगा। मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं कह रही हूँ तू मेरे साथ में चल। तू आ मेरे साथ, आ तू चल, तू चल, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। नीरज वीर, मैं सच कह रही हूँ, ये नीरज का एक नया ड्रामा है। उसे कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अर्ची, उसने किसी भगवान को नहीं देखा था, पर वो झूठ भी नहीं बोल रहा था। मतलब ये कि किसी ने उसे सम्मोहित किया था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने भगवान को देखा है, और ये सब भी वही इंसान कर रहा है जो मेरे हाथ से बच के निकल गया। और तुम्हारे पास वो बटन है जो पूरी काकी से मिला था तुम्हें? हाँ, क्यों? मुझे उस कमरे में कुछ पर्चियां मिली थी जिसपे एक एड्रेस लिखा था। मुझे लगता है अगर मैं उस दुकान पे जाऊंगा तो उस इंसान का पता चल सकता है, और अगर ये बटन उसी इंसान का हुआ तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि पूरी काकी को मारने वाला इंसान और जिसने इस कमरे में वो खेल खेला वो इंसान एक ही है। तुम बटन लेकर आओ। फिर ये रहा। फिर तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हर जी, इस वक्त इस महल में सिर्फ हम दोनों को ही लगता है कि ये खेल किसी इंसान का है, और जो भी नीरज के साथ हुआ है वो इस महल में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम दोनों में से किसी एक का यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। तो तुम यहाँ पे रहो, मैं उस इंसान का पता करके आता हूँ। भी लेकिन ध्यान से। कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ ऐसा लगता है कि ये जो लोग मर रहे हैं उसके पीछे कोई श्राप है, और फिर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि नहीं, इसके पीछे किसने किसी इंसान की साजिश है। लेकिन मुझे एक बात पता है भगवान, कि आप मेरे आसपास हैं और आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। ये श्राप है या फिर किसी इंसान की साजिश, जो भी है इसे रोकने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। राजमहल की बेटी की जय हो।
खतरे में, वो हमारे प्राण ले लेंगे। कैसा सपना था वो दोनों राजमहल की राजकुमारी? क्या भगवान मुझे कोई संकेत दे रहे थे? भूरी काकी ने भी यही कहा था कि राज परिवार की बेटियों को बचाओ। क्या है ये? अर्चना, अरे क्या हुआ युवरानी? अर्चना आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? दादी, मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि राजमहल में दो राजकुमारियां थी। वो बहुत डरी हुई थी। वो कह रही थी कि वो श्रापित हैं और उनकी कोई जान लेना चाहता है। और फिर पीछे से काला सा साया आया और उन पर हमला किया। भूरी काकी भी मरते वक्त यही कह रही थी कि राजमहल की बेटियों को बचाओ। कहीं भगवान का कोई संकेत तो नहीं है क्या? इस वक्त तो इस राज परिवार में एकमात्र जीवित बच्ची वंदना की बेटी है। युवराज ने नियमों का उल्लंघन करके उस कमरे में जाकर सही नहीं किया। उस कमरे में तो सिर्फ इस राज परिवार की बेटियों को जाने की अनुमति है, किसी और का जाना वर्जित है। कहीं काल भैरव उस नव जीवित बच्ची को सजा तो नहीं देंगे? इसका मतलब हमारी बेटी की जान खतरे में है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर को इस तरह नहीं करना चाहिए था। कहाँ है वो? वो तो गांव के बाहर किसी दुकान पर गए कुछ पता करने के लिए। ये क्या हो गया है वीर को? पहले तो वो काल भैरव के हर नियम को मानते थे, हर बात को मानते थे, किसी भी भगवान की निंदा नहीं करते थे। पर अब उन्हें क्या हो गया है? हमें तो विश्वास था कि काल भैरव उन्हें श्राप के प्रकोप से मुक्त कर देंगे, पर आजकल जिस तरह वो श्राप के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्होंने जिद पकड़ ली है कि भगवान का प्रकोप नहीं, किसी इंसान की साजिश है। आप उन्हें समझाइए इससे पहले कि देर हो जाए। आप इस दुकान के मालिक हैं? क्यों, मैं नहीं लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे इन पर्चियों के बारे में जानना था। एक इंसान है जो आपके यहाँ से कपड़े लेता है। ये उस इंसान ने एक बार नहीं, बहुत बार आपके यहाँ से लिया। मुझे उस इंसान के बारे में जानना था, ये किसने लिया, उसका नाम कोई पता मिल सकता था? ये पूछने वाला कौन है? मैं कन्नागढ़ के युवराज हूँ। कन्नागढ़ के युवराज? क्यों, देखने से नहीं लगता है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो क्या, ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। हमारे यहाँ से अपनी बीवी बच्चियों के लिए कपड़े ले जाते हैं। लेकिन युवराज जी, मैंने कभी आज तक इसके पहले उनके अपनी बीवी बच्चियों के साथ में नहीं आते हुए देखा। बस वो एक खाली कपड़े का माप लेके आता है। कौन है वो आदमी? आज ये फिर आए थे और बहुत जल्दी में थे। कह रहे थे कुछ नए कपड़े वापस चाहिए मुझे। क्योंकि कल रात को मेरी वजह से उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा है। अब नई चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ना। आपके यहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी ना, वो दिखाइए मुझे। रिकॉर्डिंग क्यों, अभी भी तो आए थे अंदर। कहाँ? अभी जैसे आप अंदर आए उसके पहले वो तुरंत बाहर गए। वो देखी जा रही है उसकी गाड़ी, वो देखी जा रही है वो। थैंक यू।